अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश आधारित विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। दूसरे कार्यकाल के पहले इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से निवेश के लिए जरूरी माहौल बनाने में मिलेगी मदद। भारत की मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशील हो चीन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बीजिंग में बैठक में कही बात। दोनों देशों की जनता के बीच विश्वास बढ़ाने को लेकर किए जाएंगे प्रयास, 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। देश के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में बाढ़ से अब तक करीब 173 लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य तेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने की तत्काल 3000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रयान 2। इसरो प्रमुख के सिवन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्मशती समारोह में दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, चांद पर विक्रम लैंडर के उतरने पर महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक को होगी देशवासियों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। मस्जिदों में विशेष नमाज का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। जम्मू कश्मीर में छुट्टी के दिन भी खुले बैंक।